हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मास्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनका 90 के दशक में एक अलग ही जलवा हुआ करता था। बता दें कि 90 के दशक में कई अभिनेत्रियों ने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था, लेकिन जिस एक्ट्रेस की आज हम बात कर रहे हैं उनकी पारी फिल्म इंडस्ट्री में लंबी भले ही ना रही हो, लेकिन यादगार जरूर थी। यह एक्ट्रेस बॉलीवुड की टारजन गर्ल के नाम से मशहूर हुई, जिनका नाम 90 के दशक में सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक था। बता दें कि किम ने महज 20 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। किम की पहली फिल्म का नाम था पत्थर दिल। इस फिल्म में किम ने छोटा सा रोल प्ले किया था। किम इसके बाद कई अन्य फिल्मों में नजर आई थी। किम ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन किम को असली पहचान मिली एडवेंचर ऑफ टारजन से। इस फिल्म में किमी कट करके ऊपर काफी बोल्ड सीन फिल्माए गए थे, जिसके चलते एक्ट्रेस रातों रात पॉपुलर हो गई। इस फिल्म के अलावा एक्ट्रेस को एक सॉन्ग जुम्मा चुम्मा था, जिसे किम और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था। ये गाना आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। किमी को फिल्मों में शोहरत मिल रही थी, जो वो डिजर्व भी कर रही थी। उन्हें काफी जल्दी नाम और शोहरत मिल गया था, लेकिन इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी और पीक पर जाते करियर के बीच किम ने साल 1992 को फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। बॉलीवुड के चर्चित फिल्मकार और फोटोग्राफर शांतनु शौरी से उन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद एक्ट्रेस ने कभी बॉलीवुड में काम नहीं किया। खबरों की माने तो शादी के बाद किम अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया भी चली गई थी, और कुछ साल विदेश में रहने के बाद वो वापस इंडिया आ गई और गोवा में रहती हैं। किम अब काफ़ी बदल गई है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको किमी कटकर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।